वनों के आगोश से निकलकर मानव ने अपनी सभ्यता गांव एवं शहर में स्थापित तथा इकोसिस्टम को सर्वोच्च शिखर पर बैठकर उसने वन वन्य जीव एवं पर्यावरण संरक्षित करने की सदैव किसी न किसी रूप में प्रयास किया है। इन्हीं प्रभावों का परिणाम नेशनल पार्क, सेंचुरी आदि हैं। भारत के हृदय में स्थित एक अद्भुत जगह है एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील रामसर साइट के किनारे 4.5 square kilometers में फैला हुआ लगभग 4 दशकों पुराना वन विहार नेशनल पार्क एंड जू भारत के सबसे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय उद्यानों और चिड़ियाघरों में से एक है। यह संरक्षण के क्षेत्र में एक चमकता हुआ प्रकाश स्तंभ बन गया है और इको रेस्टोरेशन का एक आदर्श उदाहरण भी है। करीब 4 दशक पहले इस क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा रेवेन्यू डिपार्टमेंट और बाकी हिस्सा प्रेमपुरा, धर्मपुरी और आमखेड़ा गांव के निजी किसानों का था। स्थान और स्थिति के आकलन से इस क्षेत्र के संरक्षण और संवर्धन के महत्व का एहसास हुआ और इस भूभाग को सुरक्षा की तत्काल आवश्यकता थी, जो बड़े तालाब के लिए भी लाभदायक साबित होती। यहाँ के वनस्पति और जीव जंतुओं को एक नया जीवन दान देने के लक्ष्य से वन जीवन अधिनियम 1972 या वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 को ध्यान में रखते हुए एक कमेटी का गठन हुआ और जल्द ही 1983 के गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी के दिन समिति की सिफारिश के अनुसार लगभग 388 हेक्टेयर रेवेन्यू लैंड और 57 हेक्टेयर कृषकों की जमीनों को जोड़कर 445 हेक्टेयर के इस बड़े जमीन के टुकड़े को वन विहार नेशनल पार्क अधिसूचित किया गया। वन्य जीवन के संरक्षण और आवास सुधारों के उपायों के लिए योजनाबद्ध प्रयास किए गए और वन विहार द्वारा उचित प्रबंध और सतर्कता के परिणाम स्वरूप बहुत ही कम समय में इस क्षेत्र के जीवन में सुधार देखा जाने लगा। और इन्हीं प्रयासों को देखते हुए सेंट्रल जू अथॉरिटी ने वन विहार को एक मीडियम साइज जू घोषित किया 24 नवंबर 1994 को। वन विहार को सुचारू रूप से चलाने के लिए इसका काम 3 महत्वपूर्ण हिस्सों में बांटा गया, पर्यटन या टूरिज्म, सफारी और प्रबंधन या मैनेजमेंट जोन। पर्यटन के नजरिए से वन विहार में अनेक संख्या में वन्य प्राणी पाए जा सकते हैं। इसकी खासियत यह है कि यहाँ के शाकाहारी वन्य जीव पूरी तरह स्वतंत्र हैं और पार्क के कई हिस्सों में देखे जा सकते हैं। उदाहरण के तौर पे ब्लू बुल, ब्लैक बक, सांबर, बारासिंगा और चीतल को देखा जा सकता है। लायन, बाघ, तेंदुआ और भालू जैसे मांसाहारी जानवरों को आजाद पर बड़े साइज के बाड़ों में रखा जाता है। इन्हें देखने लगभग 6 लाख लोग हर साल आते हैं और यहाँ पर संरक्षित जानवरों को सुरक्षित दूरी से देखने का लुत्फ उठाते हैं। पर्यटकों के लिए जू ने कई शानदार इंतजाम भी करे हुए हैं, जैसे कि वाइल्ड कैफे, स्नैक कियोस्क, नियमित दूरी पर जन सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। इसी के साथ वन विहार अपने पर्यटकों के लिए कई छोटे बड़े आयोजन करता रहता है। इनमें से प्रमुख आकर्षण है राज्य स्तरीय वन्य प्राणी सप्ताह, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम जैसे बर्ड वॉचिंग, स्नेक वर्कशॉप आदि। पक्षियों की लगभग 265 प्रजातियों की पहचान यहाँ की गई है, जो या तो वन विहार के निवासी पक्षी हैं या वे जो प्रवासी पक्षी हैं। ये वन विहार और बड़े तालाब के आसपास शीतकालीन घर बनाते हैं। इनमें से आसानी से देखे जाने वाले पक्षियों में वुडपैकर, स्पॉटेड आउल, कॉर्मोरेंट इत्यादि देखे जा सकते हैं।
यहाँ पर पक्षियों की आकृतियां एवं तस्वीरें हैं जो कि पक्षियों के विभिन्न प्रकारों को पहचानने में सहायक हैं। यह स्वर्गीय श्री पीएम लाड वन विहार के प्रथम डायरेक्टर की याद में समर्पित है। वन विहार स्नेक्स का ट्रांजिट सेंटर भी है जिसमें रेस्क्यू किए गए स्नेक्स को उनके उपचार के बाद उनके प्राकृतिक आवास में छोड़ दिया जाता है। विहार विथिका एक प्राकृतिक व्याख्या केंद्र है जिसे वन्य जीवन संरक्षण के प्रति लोगों में रुचि और जागरूकता लाने के लिए स्थापित किया गया है। यहाँ फोटोग्राफ्स, मॉडल, एनिमल ट्रॉफीज इत्यादि पर्यटकों के लिए प्रदर्शनी में है। इसके अलावा पर्यटकों के लिए बटरफ्लाई पार्क का भी निर्माण किया गया है जहाँ पर बटरफ्लाइज की विभिन्न प्रजातियों को नजदीक से देखा जा सकता है। सफारी जोन दो भागों में काम करता है, रेस्क्यू सेंटर और ब्रीडिंग सेंटर। बेयर रेस्क्यू, वल्चर कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर, हार्ड ग्राउंड स्वैम्प डियर या बारासिंगा ब्रीडिंग सेंटर शामिल हैं। रेस्क्यू सेंटर में शेर, पैंथर, हाइना, बाघ, स्लॉथ बियर और तमाम तरह के जानवरों की देखरेख की जाती है। वन विहार में पहाड़ी बाबा एक अत्यंत पवित्र और धार्मिक स्थल है। नेशनल पार्क बनने से पूर्व ग्रामीणों की आस्था का केंद्र यह स्थल रहा है और वन विहार विभाग ने इसकी पवित्रता अक्षुण्ण रखी है। वन विहार में इन सभी खूबियों के अलावा और भी ऐसी कई खूबियां हैं जो इसे एक सर्वश्रेष्ठ जू की श्रेणी में डालती हैं। वन विहार अपने संरक्षण के विजन और मिशन को ध्यान में रखते हुए वेट हॉस्पिटल, वल्चर सेंटर इत्यादि जैसे कई विषयों में पहल लेता है। इसके अलावा पर्यटकों के लिए कई आकर्षण जैसे सफारी, नाइट सफारी, साइकिलिंग वन विहार का एक अटूट प्रयास रहे हैं। वन विहार अपने आप में एक पूरी दुनिया है, एक पूरी सभ्यता जिसमें जानवरों को बड़े प्यार और सूझबूझ के साथ उनके अपने घर में संरक्षित किया जाता है। वन विहार एक अनमोल धरोहर इसीलिए भी है कि वो एक ऐसी सभ्यता की देखरेख कर रही है जो इंसानी सभ्यताओं के कई शताब्दियों पहले से यहाँ मौजूद थी और कई शताब्दियों तक यहाँ मौजूद रहेगी। तो आइए और महसूस कीजिए इस अद्भुत जगह को और करिए थोड़ा वन विहार।